आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ लेकर के आऊँ। ये न्यूज़ है अजय देवगन जी की। अजय देवगन जी की मूवी भोला फिल्म आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किसी और ने ये मूवी रिलीज़ कर दी। ये रिलीज़ मूवी होने वाली थी 2 दिन बाद, लेकिन 2 दिन पहले ही किसी और ने ये मूवी रिलीज़ कर दी है। आखिर क्यों किसी ने रिलीज़ ये मूवी करी है? लेकिन इस मूवी की 2 दिन पहले से ही एडवांस बुकिंग हो गई थी शुरू, पठान मूवी की तरह। जिस तरह पठान मूवी की एडवांस बुकिंग होने लगी थी, पहले से ही लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस बुकिंग करवा रहे थे, पूरा हॉल बुक हो गया था जिस दिन रिलीज़ हुई थी। ठीक इसी तरह इस मूवी की भी एडवांस बुकिंग पहले से ही चालू हो गई थी, और ये मूवी आने वाली है कुछ दिनों बाद, तो आप लोग देखना ज़रूर। लेकिन इस मूवी के रिलीज़ होने से पहले ही किसी और ने ये मूवी रिलीज़ कर दी है। हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक हो, लेकिन ये न्यूज़ आई है कि अजय देवगन जी की मूवी किसी और ने रिलीज़ कर दी है, लेकिन अभी उसके क्लिप्स किए हैं, लेकिन पूरी मूवी रिलीज़ अभी नहीं करी है। अगर पूरी मूवी रिलीज़ हो गई तो क्या होगा? लेकिन एडवांस बुकिंग सभी रुक जाएंगे। इसी तरह पठान मूवी की भी किसी ने फेक न्यूज़ कर दी थी कि ये मूवी पहले से ही रिलीज कर दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हो सकता है ऐसा इस बार भी कुछ ना हो, लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, मचा रही है। हो सकता है कि मूवी ये रिलीज होने वाली है और किसी और ने भी रिलीज कर दी हो, लेकिन ये मूवी अभी रिलीज कुछ दिनों बाद होगी। लेकिन इस मूवी के रिलीज होने का और देखने का मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन ये मूवी पठान की तरह धूम मचाएगी बहुत ही ज़्यादा। इस मूवी का नाम है भोला, अजय देवगन जी की ये मूवी है, लेकिन इसमें मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक मूवी है, और मैं तो इस मूवी को ज़रूर ही देखूँगा, चाहे थिएटर में जाकर देखूँ या ऑनलाइन देखूँ, लेकिन बस मैं इस मूवी को देखूँगा ज़रूर ही। और आप लोग भी देखना ना भूलें इस मूवी को। दोस्तों आज के जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, तो हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।